अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। तो ये जनाब आज की हमारी ज़बरदस्त सी डिश है जो कि है आलूओं के चिप्स, जो आमतौर पर बच्चे ठेलों से रेडियो से लेकर खाते हैं, लेकिन ये आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अपने चैनल पर। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अपने अजीज़ों के साथ। जी हाँ, ये चैनल आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अभी तक अगर आप जाकर सब्सक्राइब करें जंबीले शुमाइल और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं अब इस ज़बरदस्त डिश को बनाना। हमारी आज की वीडियो है जनाब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बेइंतहा पसंदीदा। जी हाँ, ये वीडियो है आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ आलू के चिप्स, जो कि आम तौर पर आपको गली मोहल्लों में मिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो जितने सेफ़ हैं वो आप भी जानती हैं। लिहाजा मैंने ये आज की वीडियो ख़ास तौर पर डिज़ाइन की है आप लोगों के लिए और आपको ये बताने के लिए कि आप घर पर आलू के चिप्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो आलू को अच्छी तरह छील कर रख लिया है और अब हम इसे जूलियन कट यानी कि लंबाई के रूप में कटिंग करेंगे। तो इसे अब हम लंबाई के रूप में कट शुरू करते हैं। जनाब देखें, अब मैंने इसे जूलन कट कर लिया है यानी कि मैंने इसे लंबाई के रूप में काट लिया। अब हम इसमें दीगर मसाले ऐड करेंगे ताकि इसकी जो जायका है वो बिल्कुल आपको बाजारी जो चिप्स होते हैं वैसा ही आए। और वो मसाले क्या होंगे तो वो मैं आपके सामने जाहिर कर रही हूँ। देखें जनाब, सबसे पहले यहाँ पर है बेसन, हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। कम अज़ कम ये आपने बेसन लेना है 2 चम्मच, ये हमने ऐड किया। इसके बाद हम लेंगे अजीनोमोटो। जी हाँ, ये अजीनोमोटो आपने हाफ जो है टेबलस्पून यानी कि आधा चम्मच आपने ये डालना है। इसके बाद जनाब यहाँ पर है नमक, ये आपने डालना है, ये डाल दिया इसमें। और सबसे आखिर में देखें, ये मेरे पास है लाल मिर्च और हम ये ऐड करेंगे इसमें, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है जनाब। और अब इसे आप अच्छी तरह मिक्सअप कर लें, मिक्सअप करें इसे अच्छी तरह, खूब इसे आप मिला लें, इसे खूब अच्छी तरह आपने इसे मिक्सअप करना है। देखें मैंने इसे खूब अच्छी तरह मिक्सअप कर लिया है और आपने इसमें पानी का एक कतरा नहीं डालना, क्योंकि जो आलू हैं ये ख़ुद अपना पानी छोड़ देंगे और जिसकी वजह से मिक्सअप हो जाएगा। आपने अपने पास से इसमें ऐड पानी बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब ये हमारा देखें बिल्कुल हो गया है तैयार और अब हम इसे डालते हैं गरम गरम तेल में और चलते हैं अब उसकी तरफ। ये देखें, अब ये कढ़ाई में घी जो है वो बिल्कुल गरम है तेज़, और मैं इसमें ये जो मैंने काटे हैं और जो मैंने इसमें मसाला मिलाया है वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। एक बात का ख्याल रखना है कि जो ही आप इसमें ये चिप्स ऐड करेंगे तो आपने उसके फ़ौरन बाद इसमें चम्मच हरगिज़ नहीं चलाना, क्योंकि ये फ़ौरन जो इस पर ख़ासतौर पे जो बेसन छिड़का है वो फ़ौरन उतर जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। आप इंतज़ार करना है और उसके बाद उसके अंदर चम्मच चलाना है। जी देखें ये कितने खूबसूरत गोल्डन हो चुके हैं, आप देख रहे होंगे बिल्कुल आपको ये वही नज़र आ रहे होंगे जो कि बाज़ार में हैं। ये आपको घर में बआसानी आप अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं अपने घर में, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। देखें ये बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं, आप अपने घरों में ये चिप्स बनाएं और बच्चों को ये घर में खिलाएं, क्योंकि साफ़ सुथरे हैं, आप खुद बना रही हैं अपने घर में बना रही हैं, घर की साफ़ सुथरी चीज़ों से बना रही हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और देखते हैं, इसे अच्छी तरह निकालते हैं और देखें कितने क्रिस्पी, इनकी शक्ल से आपको महसूस हो रहा होगा कितने क्रिस्पी हैं, कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखें कितने क्रिस्पी हैं ये, कितने ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, और ये बिल्कुल इनका जो जायका होगा ना वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आपके बच्चे बाज़ार से रेडियों से ठेलों से ला ला कर खाते हैं। लेकिन इसमें आपका फ़ायदा क्या है, इसमें एक तो आपकी बचत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दूसरी
ये आपके घर का साफ सुथरा खाना भी होगा। तो जनाब ये हमारी है आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी, यानी कि आपके आलू के ज़बरदस्त से चिप्स, जो कि आम तौर पर बच्चे बाजार से ला ला कर खाते हैं। यह है, अब हम इसके अंदर चाट मसाला जो है वह थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल करेंगे, इस पर छिड़केंगे। और फिर ये देखिए मैं इस पर चाट मसाला जो है वह स्प्रिंकल कर रही हूँ। चाट मसाला जो है ये आखिर में आपने डालना है, बनाते हुए कभी भी ना डालें, क्योंकि बनाते हुए जो है वो इसमें वो बात नहीं आएगी जो कि होनी चाहिए। ये देखिए मैंने इस पे चाट मसाला डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप। जिस तरह के आपने देखा होगा बाज़ार में जो मिलते हैं उसमें हम टमाटो केचप डालते हैं, तो हम इस पे अब जो टमाटो केचप है वो थोड़ा सा इस पे करते हैं। मेरे पास नेशनल का टमाटो केचप है और ये मैं इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ, इस पे मैं लगा रही हूँ। ये मैंने इस पे टमाटो केचप डाल दिया और जनाब ये आपकी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार। आपने इस चिप्स के नीचे ख़ास तौर पर टिश्यू ज़रूर रखने हैं, ताकि जितना भी इसमें ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल है वो जो सारा है वो जो ये टिश्यू हैं ये जज्ब कर लें। ये तो थी इसकी फ़ाइनल लुक, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छी लगेगी। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, देखें कितने ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं ये। इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़ंबीले शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।